आखिर क्यों छोटे बच्चे का मुंडन करवाया जाता है, इनके पीछे का कारण क्या है, तो चलिए बताते हैं। भारत में ऐसी परंपरा सदियों से चली आ रही है। किसी परंपरा को करने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और इसी में से एक है जो बच्चों का मुंडन कराना। बच्चों का मुंडन मुख्य रूप से हिंदू धर्म में अधिक होता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने गए हैं। शिशु जब जन्म लेता है तब उनके सिर पर केश पाए जाते हैं, जिन्हें शुद्ध नहीं माना जाता है। और सनातन धर्म के अनुसार मानव को अपना जीवन 84 लाख योनियों में से गुजरने के बाद ही मिलते हैं, और उनके पीछे जो सभी जन्म के ऋण होते हैं उसे उतारना होता है, और पिछले कर्मों से हमें मुक्ति पाने के लिए जन्मकालीन केश काटे जाते हैं। यह कुल के परंपरा के अनुसार 3 से 5वें अर्थात 7वें वर्ष में कराए जाने की परंपरा की प्रथा है। मुंडन करवाने के बाद बच्चों के शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों का मस्तिष्क स्थिर हो जाता है। और कहा भी जाता है कि मुंडन के बाद छोटे बच्चों के दांत निकलते समय उन्हें दर्द कम होता है। दोस्तों, क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए।